your lovely Priyanshi and welcome back to my channel Learn with Priyanshi. आज का जो वीडियो है वो है back to school vlog. As आप लोगों को पता है सब के स्कूल इस बार खुल रहे हैं और मेरे भी खुल रहे हैं. मतलब क्लास 3 हमने स्कूल में बिताया था, क्लास 4 और 5 घर में, और हम सीधा क्लास 6 में फिर से स्कूल जा रहे हैं. तो कल है स्कूल और मेरा मेरे को ना 5 o'clock से उठ के सारा मतलब ब्रश रेडी शेडी होना पड़ेगा एज यू नो. और मम्मी को मुझसे भी मेरे ही टाइम पे उठना पड़ेगा मेरा लंच वंच प्रिपेयर करने के लिए. और उसके बाद फिर मेरा वैन आएगा 6:10 बजे. स्कूल में वैन से जाती हूँ, बता दूँ, बस से नहीं. तो वैन आएगा, उसके बाद हम वैन में जाएंगे और स्कूल हमारा स्टार्ट होते हैं. सारे क्लासेस जो हैं वो 7 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं वापस आ जाऊँगी 10:30 स्कूल से. तो 10:30 क्लास खत्म, हमको घर आते आते हो जाएगा कितना, 11 पहले जैसे आते थे. हाँ, सो एनीवे चलो हम लोग मैजिक से बैग यहाँ लेकर आते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बैग के अंदर हमारा सारा स्टफ्स पैक करेंगे. यहाँ से आप देख सकते हो अब्रका डब्रका गिल्ली 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 गिल्ली. झूठ बोल रहा है. नो आई एम टेलिंग यू. देखा, मैजिक से आ गया ना बैग. नहीं, सो मैं आज ना कोचिंग गई थी इसलिए बैग फुल्ली पैक्ड है. और गेस व्हाट, ये बैग में वही बुक्स है जो मेरे को स्कूल के लिए चाहिए. हमारा साइंस बुक और हमारा मैथ्स बुक. मैं इनको पीछे से इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सामने मतलब कवर लगा है ना, इसीलिए. और आपका पर्पल बाल पिंक हो गया. हाँ, वो भी मैजिक से मैंने कर लिया. ओ गॉड. सो हमको एक रफ कॉपी चाहिए. सो ये रहा मेरा यूनिकॉर्न वाला पाउच, इसके अंदर हम लोग कल लेंगे. और हमको क्या क्या लेना है, मैं ये उसके अंदर ऑलरेडी फिल था लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ. हमको ये पेंसिल लेना है ऑब्वियसली. यहाँ पेंसिल को रख लेते हैं. ये वाले बोले नहीं, कोई भी पेंसिल ले सकते हो, तुम्हारे पास ये पेंसिल है तो ये बोल रहे हैं. हाँ, ऑब्वियसली. नहीं तो फ्रेंड्स लोग बोलेंगे क्या हमको भी वो रैबिट वाला पेंसिल चाहिए. नहीं, और ये है ग्रेड पेन, अगर मेरी टीचर को चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा मैं रख ही रहती हूँ. उसके बाद ये है एक ब्लू पेन, ये है एक टेक्स्ट लाइनर या फिर आप हाईलाइटर जैसे बोल सकते हो, ये वैसा है. और हमारे पास है ये क्यूट क्यूट सा इरेजर्स, ये हो गए. और हमारे पास कुछ और है, ये मेरे मार्कर्स मतलब हाइलाइटर्स इन केस ओपन करते हैं. ये टाइम टेबल तो है नहीं आपके पास? टाइम टेबल अभी तक दिए नहीं है मेरे को, मुझे कल मैथ्स और साइंस बुक ही लेना है. ये रहा पाउच, इसको भी यहाँ अंदर ही रख लेंगे. फिल्ट, एक सेकंड. ओह नो, मैंने पाउच को लंच वाले जगह पे रख लिया, पाउच को इधर रखना था ना. चलो अब स्कूल खुल गए, आपके स्कूल जाओ. ये स्कूल क्या होती है? अरे जहाँ तू पढ़ाई करती थी. ये पढ़ाई क्या होती है? सो गुड नाइट, आप लोगों को सुबह मिलती हूँ सो के उठने के साथ. मैं जा रही हूँ सोने. गुड नाइट. The next morning. So friends, good morning. गई हूँ अभी, टाइम हो रहा है 5:21. एज अ क्लॉक पे देख सकते हो. लेकिन ये 5:21 नहीं है. एक्चुअली 5:21 नहीं है, एक क्लॉक गलत दिखाता है. अभी का रियल टाइम है 5:25. और अगर आप वो वॉलपेपर में नाचती लड़की को देख के कन्फ्यूज हो तो मम्मी का वॉलपेपर मैंने सेट किया था इसीलिए. एनीवे मम्मी मैं अभी मेरे को बोली कि लेट हो जाएगा लेकिन मेरे को सुनाई दिया कि 10 बजे. तो मैं ऐसे चमक के उठी ना और उसके बाद फिर मैं भाग के ब्रश करने गई थी लेकिन उनको फिर याद आया कि मेरे को वीडियो बनाना था. और मैं आँख में थोड़ा पानी लगा दी हूँ इसीलिए मैं सोची जैसी नहीं दिख रही. एनीवे हमारा ब्रश, हमें जल्दी रेडी होना पड़ेगा यूनिफॉर्म सब पहन के. सो फ्रेंड्स, मैं मेरे स्कूल के लिए अभी रेडी हो रही हूँ
और मैं अभी इतनी बड़ी होगी, 6th क्लास में पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को 2 पोनीज बनाना नहीं आता है, तो इसलिए मेरी प्यारी मम्मी मेरे लिए बना दे रही है पोनीज, जैसे वो बचपन में मेरे लिए बना देती थी। ब्रेड्स नहीं, मैं बोल रही हूँ पोनीज बनेगा। आपको मेरा पूरा यूनिफॉर्म दिखाई नहीं हूँ, दिखा दूंगी, और अभी मैंने फेस पर कुछ नहीं लगाया, बस धूलिए और रहा मेरा लंच, मेरा वाटर बॉटल, दूध एंड बिस्किट ओरियो एंड दूध आज हम लोग खाएंगे ब्रेकफास्ट पे। ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो मुझे सॉक्स पहनना भी नहीं आ रहा है, इसलिए मम्मी ने मुझे सॉक्स पहना लिया अच्छे से, और मैंने थोड़ा सा फर्स्ट डे पे डांट भी खा लिया। तो फ्रेंड्स, रेडी सेडी तो मैं हो गई, लेकिन अभी तक मैंने खाया नहीं था और मेरे पास कम टाइम है थोड़ा खाने के लिए। चलो हम लोग जल्दी से ये ओरियो और दूध खा लेते हैं। और योर मास्क, ब्लैक मास्क, हाँ वो तो गार्डन से लगा के जाना पड़ेगा, नहीं तो एंटी नहीं। सो आई एम रेडी, मैंने बैग के अंदर टिफिन और वाटर बॉटल भी भर लिया है, मैंने मास्क भी पहनूंगी भाई पहनूंगी, और मेरा सारा शूज सब कुछ वेल पॉलिश्ड है, नहीं तो फिर मैम डांटती हैं स्कूल में। देखो सब पॉलिश्ड है, इसीलिए अभी मतलब मैं मेरे समय से ना ऑलरेडी 5 मिनट्स पहले रेडी हो गई हूँ, तो हमारे पास 5 मिनट्स है हमारे घर हम खेलने कूदने के लिए। ऐसे 5 मिनट में क्या खेलूँगी कूदूँगी, आई मिस माय फ्रेंड्स, मैं आज मेरे फ्रेंड से मिलूँगी, टीचर से भी मिलूँगी, न्यू क्लास टीचर से भी मिलूँगी, और फिर मेरे न्यू फ्रेंड से भी मिलूँगी, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जैसा लग रहा है, मतलब मैं जब छठी थी ना ऐसे में पूरा इतना ऑनलाइन क्लासेस हो गई कि मैं सॉक्स पहनना भी भूल गई। चुट्टी बनाना आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर भूल गई ऑनलाइन क्लासेस के वक्त। टाइम कितना हो रहा है देखो तो, 6:06। ओह 6:06, फिर हमारे पास बहुत टाइम है। वैन कितने बजे आएगा? 6:20। 6:20, 15 मिनट पूरा रखा है। वैसे हम 6:15 को वहाँ चले जाएंगे लोग खड़े होने के लिए। सो मैं रेडी हो गई हूँ, अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, अब खुलेगा, अभी सब सो रहे हैं, मेरे पापा भी सो रहे हैं अभी, वैसे मेरे अंकल आंटी अभी तक शायद नहीं सो उठ के गए होंगे, छबरू को लेके आके सो गए हैं, फिर से सो गए। मैं ही खाली मेहनत करने वाली हूँ, मजाक कर रही हूँ, सारे मेहनत करते हैं। एनीवे मैं ना जल्दी क्यों रेडी हो गई, कब टाइम होगा, चलो उधर तक चले जाते हैं। हाँ ठीक है चलते हैं फिर। फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें खड़े रहना था, और अभी तक वैन आई नहीं है, ऑब्वियसली मैं जल्दी हूँ, अर्ली थोड़ा सा हूँ, और वैन आएगी तो फिर दिखा दूँगी। आई है क्या? नहीं ना, वो एक ट्रक है। मम्मी आपको सुबह सुबह उठ के मेरे लिए इतना काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाय बोलो तो। बाय। Six and a half hours later. Approximately 10 hours later. 2,000 years later. 1 eternity later. आ गए? हाँ। थक गए? हाँ पूरा थक गई। कैसा था? बहुत अच्छा था। आ जाओ। वैसे आज सारा कॉफी आपको कवर करना पड़ेगा। ओके वेलकम बैक टू होम। थक गए थे। मम्मी मेरे को भूख बहुत जोरों की लग रही है, आप मेरे को ना दे दो कुछ खाने के लिए। ये क्या है? आज फर्स्ट डे था ना लॉकडाउन के बाद, आपको पता है टीचर्स ने क्या बोला? मेरी डांस टीचर ने, उन्होंने बोला, उन्होंने पूछा था सबको कि आप लोगों ने लॉकडाउन में क्या क्या किया था कोरोना में, ठीक है। मेरी जब बारी आई मैम बोली कि तुम तो खाली यूट्यूब में वीडियो बना रही थी कोरोना टाइम पर। वो ऐसा बोली। मेरी क्लास टीचर का नाम भी गीतांजलि है, बोल रही थी इन लोगों को भी थोड़ा डांस सिखा देना, इन लोगों को भी सिखा देना थोड़ा, ऐसे बोल रही थी। मेरे क्लास में मेरे पुराने पुराने दोस्त हैं, भक्ति है, एंजेलिका है,
मतलब जब स्टैंडर्ड टू थ्री में थे उनके दोस्त आ गए। सोनाक्षी को मिली कि नहीं? हाँ सोनाक्षी को मिली। उन्होंने वो जो रबर में उस दिन छोड़ दी थी ना, वो भी उनकी मम्मी ने आज दे दिया, वैन में बैठी थी जाते वक्त। पूरा मजा आया। ये था फर्स्ट डे हमारे स्कूल का। थक गई कल फिर इवनिंग को, आज फिर से मेरे को कोचिंग जाना है। एनीवे होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को ज़रूर कमेंट करना आपका फर्स्ट डे एट स्कूल कैसा था, ठीक है? मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। बाय, शेयर माय नेक्स्ट वीडियो। मैं थक गई।